अगर कोई मेरे से पूछे कि पाकिस्तान की सबसे कॉमन तरीन बीमारियां कौन सी हैं, तो उसमें ट्यूबरकुलोसिस जो होगी वो मेरी लिस्ट में होगी। मुजम्मिल गौरी का कमेंट है, वो पूछते हैं कि स्पाइन टीबी का क्या ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट पे अभी बात करते हैं, लेकिन इसके बारे में एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक की जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होती है छाती के अलावा वो स्पाइन के अंदर होती है। इसे पॉट्स डिजीज बोलते हैं। सबसे पहले इस चीज़ की तशखीस करनी होती है कि क्या मरीज़ को वाकई पॉट्स डिजीज़ है या उस मरीज़ को कोई और बीमारी है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो है वो टीबी की तरह मिमिक कर सकती हैं। उसके लिए हम कुछ टेस्ट कराते हैं जिसमें एक्सरे होता है, एमआरआई होता है और टीबी के टेस्ट होते हैं। ठीक, वो कराने के बाद जब एक बार तशखीस हो जाती है कि टीबी की बीमारी है, तो फिर देखना ये है कि मरीज़ की टीबी की बीमारी किस तरह की है, किस हद तक ख़राब हो चुकी है। इनिशियल स्टेजेस पे और बहुत सारे मरीजों में 80-90% पेशेंट्स में दवाई और बेड रेस्ट, ये दो चीज़ें एडवाइस की जाती हैं। टीबी की दवाई खानी होती है और बेड रेस्ट करना होता है मरीज़ ने। लेकिन अगर कुछ मरीज़ों में टीबी की दवाई पे असर नहीं कर रही या उनकी स्पाइन अनस्टेबल है या उनके हराम मगज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, एपिड्यूरल एब्सेस है, तो ऐसे मरीजों में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। स्पाइन टीबी का ये याद रखें कि बरवक्त तशखीस अगर हो जाए तो इलाज पे मरीज़ 100% रिकवर कर जाता है। इवन मैंने ऐसे मरीज़ों को भी ठीक होते हुए देखा है जो इलाज से पहले टोटली मजबूर थे और फिर बाद में इस पर ठीक हुए। मेरा नाम डॉक्टर अमर अनवर है, मैं न्यूरो स्पाइन सर्जन हूँ।